सुबह बारिश से मौसम सुहाना, शाम को उमस ने किया हाल बेहाल, जाने आगे कैसा रहेगा वेदर। जिले में पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है, कभी घने बादल, कभी रिमझिम वर्षा तो कभी तीखी धूप खिल जाती है। मंगलवार सुबह वर्षा के बाद दिन भर हल्की धूप खिली रही, शाम को उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। मंगलवार सुबह करीब 4 बजे काले घने बादल छाने के साथ ही तेज वर्षा शुरू हो गई। सुबह 8 बजे तक रुक रुक कर वर्षा होती रही, जिस कारण सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम में बदलाव से लोग हो रहे बीमार। वहीं रविवार और सोमवार को दिन भर लोगों को उमस का सामना करना पड़ा। हालांकि मंगलवार सुबह 10 बजे के बाद बादलों के छटने के साथ ही निकली धूप ने फिर से मौसम के मिजाज को बदल दिया, परंतु दिन के वक्त बीच बीच में ठंडी हवाएं चलने से मौसम में थोड़ी ठंडक भी रही। बार बार रंग बदल रहे मौसम का प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा है और मौसमी बीमारियों ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। वर्षा होने से तापमान में गिरावट आई है, इससे गर्मी से भी राहत मिली है। मौसम सुहावना होने से लौटी रौनक, वर्षा होने के साथ ही मंगलवार को दिन भर मौसम सुहावना रहा, इससे रौनक देखने को मिली। गर्मी अधिक होने से दोपहर के बाद सड़क सुनसान हो जाती थी, मगर मंगलवार को बाजारों में दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहा, इससे बाजारों में जाम भी लगते रहे। इसी के साथ बाजारों में पकौड़े, जलेबी की दुकानों और फास्ट फूड की रेहड़ियों पर लोगों की भीड़ नजर आई। अन्य कारोबार में भी तेजी देखने को मिली। अगले 5 दिनों तक पठानकोट में ऐसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार अब अगले मंगलवार तक वर्षा की संभावना कम है। राहत भरी बात यह है कि अगले 7 दिनों तक तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। वीरवार और शुक्रवार को दिन भर उमस के साथ अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा, जबकि बुधवार को 32, शनिवार को 31 और रविवार से मंगलवार तक तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। शनिवार और रविवार को दिन के वक्त आसमान में बादल छाने से लोगों को राहत मिलेगी।